दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने, लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने, लेकिन अगर बात क्रिकेट की हो तो एक शब्द हम यहाँ अक्सर कहते हैं, वन मैन आर्मी। मतलब वो खिलाड़ी जो अकेला ही लड़कर अपनी टीम को मैच जिता जाए। उदाहरण के लिए 2014-2016, यहाँ तक कि 2022 के T20 विश्व कप में विराट कोहली, जिन्होंने अपने कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी उठाई और भारत को फाइनल्स में पहुंचाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द की खोज किस खिलाड़ी ने की, या यूं कहें कि किस खिलाड़ी को क्रिकेट का पहला वन मैन आर्मी कहा जाता है, तो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जो दूसरी टीम की जीत और अपनी हार के बीच अंतर बन जाते थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दूसरी टीम को नाइटमेयर दे दिया करती, वहीं उनकी गेंदबाजी बड़ी बड़ी टीमों को हिलाने का दमखम रखती। जिस वक्त दुनिया को फिनिशिंग की समझ नहीं थी, इस धाकड़ खिलाड़ी ने यह कारनामा रोचक और बेखौफ अंदाज में करके दिखाया। यही नहीं, अपने शानदार खेल के दम पर यह दिग्गज 1999 विश्व कप में अपनी टीम को इतना आगे ले आया था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महानतम ऑलराउंडर लैंस क्लूजनर की, जिन्होंने दुनिया को क्रंच और फंसे हुए मैच जीतना सिखाया। हमारे कई दर्शकों की काफी समय से आ रही बेहद खास डिमांड पर आज हम अपनी सीरीज हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के नए एपिसोड में ये जानेंगे कि कैसे एक फौजी बना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का सबसे कारगर और महत्वपूर्ण खिलाड़ी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को इतना कुछ देने वाले इस क्रिकेटर को ना ही वो सम्मान मिला और ना ही फेयरवेल का मौका, और आखिरकार क्यों उनका करियर समय से काफी पहले समाप्त हो गया। साथ ही बात करेंगे उस कलंक की जिसे ना मिटा पाने का मलाल आज तक क्लूजनर को सताता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। लैंस क्लूजनर का जन्म 4 सितंबर 1971 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के नटाल प्रोविंस में हुआ था। उनके पिता भी एक स्पोर्ट्समैन थे जो पोलो के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते। स्पोर्ट्स तो क्लूजनर के खून में ही था। उनके पिता का एक फार्म हाउस था जहां वे गन्ने की खेती किया करते और लैंस को अपने साथ ले जाया करते, जहां वे वहां के वर्कर्स के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करते, रनिंग किया करते और अपनी फिटनेस फिजिक पर काफी ध्यान दिया करते। साथ ही उन्हें फिशिंग का भी काफी शौक था। अब क्योंकि वे वर्कर और उनके बच्चे अधिकतर जुलू में बात किया करते, तो क्लूजनर को भी इस भाषा में अच्छी कमांड मिल गई। इसी के चलते उन्हें जुलू के नाम से भी जाना गया। उनके पिता ने उनका दाखिला डरबन के एक बोर्डिंग हाई स्कूल में करवाया और अपने फाइनल ईयर में क्लूजनर ने स्कूल टीम की ओर से क्रिकेट खेला और बतौर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी टीम को कई मैच भी जितवाए। पढ़ाई पूरी करके वे मिलिट्री की ट्रेनिंग करने चले गए और उसके 3 बाद तक उन्होंने हाउस में अपनी सेवाएं दी। इसी दौरान खाली वक्त में उन्होंने गेंदबाजी करना भी शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई कि अगर बल्लेबाज का विकेट हिट नहीं कर सकते तो उसके सिर को हिट करें, इससे आपको विकेट जरूर मिलेगा। मिलिट्री की सर्विस पूरी कर उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और कुछ लोकल टीम्स में कई लोकल टूर्नामेंट्स में खेलकर अपने प्रदर्शन और स्किल्स को भी निखारना शुरू किया। ऐसे मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए एक बार उन पर नटाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के मैनेजर डेनिस कार्लस टीन की नजर पड़ी और उन्होंने जुलू के असली टैलेंट को अपनी पारखी नजर से पहचाना और उन्हें अपने क्लब के नेट सेशन में बुलाया। जुलू वहां गए और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी स्टाइल से लोगों को काफी प्रभावित किया, जिसके बाद 1991 में उन्हें नटाल की टीम से अपने फर्स्ट क्लास करियर को आगाज करने का मौका मिला। बाद में मेलकम मार्शल भी उनके टैलेंट से काफी प्रभावित हुए, जहां क्लूजनर ने अपना कमाल का खेल दिखाकर खूब जलवा बिखेरा और 5 घरेलू क्रिकेट में अपना दमखम दिखाने के बाद आखिरकार उन्हें 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई मैच में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पदार्पण करने का मौका मिल ही गया। हालांकि उनका प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से जीरो था और वे कुछ खास छाप छोड़ने में नाकाम रहे, लेकिन अपने तीसरे मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताऊ 88 रन की पारी खेल अपनी टीम को 8 से जीत दिलाई। इसी साल उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। भले ही वे बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन दूसरी पारी में गेंद से 8 चटकाकर भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया और अगले साल भारत के ही खिलाफ टेस्ट में महज 100 गेंदों पर 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से 102 रन की पारी खेल अपना पहला शतक जड़, बल्ले से भी अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज काफी निराला था। 1.5 किलो का भारी भरकम बल्ला, काफी ऊंचा बैक लिफ्ट और उनका बेस बॉल स्टाइल स्टांस काफी आकर्षक था। वे गेंद को दूर मारने की क्षमता रखते थे, साथ ही अच्छी लाइन लेंथ पर गेंद को भी लहराते। इसी साल उन्होंने अपना कमाल का हरफन मौला खेल दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ एक मुकाबले में मैच जिताया। पहले बल्ले से 132 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 84 रन जड़े और गेंद से भी 6 चटकाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। साल 1999 वो समय आया जब विश्व ने क्लूजनर का रौद्र रूप देखा। वे इस वक्त अपनी पीक पर थे। विश्व कप में उन्होंने कोहराम मचा दिया था। पहले श्रीलंका के खिलाफ 52 रन बनाकर और 3, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 48 रन 1, केन्या के खिलाफ 5, पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन और 1 लेकर वे 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने।
खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काफी क्रंच मैच में दबाव की स्थिति से निकलकर वसीम, रज्जाक और अख्तर के खतरनाक पेस अटैक को डेथ ओवरों में धो डाला था। लेकिन आगे इस विश्व कप में कुछ ऐसा हुआ जिसका क्लूजनर को आज तक मलाल है। दक्षिण अफ्रीका अपने कप जीतने के सपने के बेहद करीब आ पहुंचा था और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना कर रहा था। पहले इस मैच में उनकी गेंद पर स्टीव वॉ का कैच अजीबोगरीब तरीके से गिब्स ने ड्रॉप किया, जो आगे जाकर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में 214 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अपने विकेट अंतराल पर गंवा दिए और अंतिम चार ओवर में उन्हें 30 रन की दरकार थी और 3 विकेट हाथ में थी। 49वें ओवर में 2 और विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर में 9 रनों की आवश्यकता थी और आखिरी विकेट बचा था और पहली दो गेंदों पर 2 चौके लगाकर क्लूजनर मैच टाई कर गए और चौथी गेंद सामने खेलते ही सिंगल लेने दौड़ चले, लेकिन वहां नॉन स्ट्राइकर एलन डोनाल्ड की लापरवाही की वजह से वे रन आउट हो गए और करोड़ों दिल टूट गए। केवल 0.01 के अच्छे रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और दक्षिण अफ्रीका के माथे पर लगा जोकर्स का धब्बा। गजब का प्रदर्शन कर क्लूजनर मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो बने, लेकिन ट्रॉफी न जिता सके। 8 मैचों में महज 2 बार आउट हुए और अंतिम 10 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 163 का रहा। इस विश्व कप के बाद वे ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया और इसी वर्ष कई ताबड़तोड़ पारियां खेली, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 174 रन हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन, जहां एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए। इसी वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक गजब का फिनिश किया जब उनकी टीम को 14 गेंदों में 27 रन की दरकार थी और केवल 3 विकेट बचे थे। क्लूजनर ने वह अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद कुछ समय वे चोटों से काफी परेशान रहे, जिसके फॉर्म में थोड़ी गिरावट आई। उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, लेकिन 2002 में उन्होंने अपनी कई बेमिसाल पारियों के दम पर टीम में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई में उस वक्त 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जब अन्य खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये उस वक्त का नंबर 8 के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक स्कोर था। चैंपियंस ट्रॉफी और 2003 के विश्व कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। यहाँ भी कहानी पिछले विश्व कप जैसी ही रही। अंत में सारा दारोमदार क्लूजनर के कंधों पर ही होता। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में वे लगभग टीम को जीत के दरवाजे तक लेकर आए, लेकिन उनको ताबड़तोड़ 57 रनों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 3 रन से मैच हार गई। श्रीलंका के खिलाफ भी दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस था, लेकिन क्लूजनर ने 8 गेंदों में केवल 1 रन बनाया, जिसके चलते बाउचर पर प्रेशर बनता चला गया और डकवर्थ लुइस के खराब कैलकुलेशन के चलते दक्षिण अफ्रीका केवल 1 रन से हार गई। इसके बाद क्लूजनर की जमकर आलोचना हुई और विश्व कप के बाद उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया और उन्होंने अपने बोर्ड के खिलाफ अर्निंग लॉस के कारण लीगन एक्शन भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए काउंटी क्रिकेट का ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और बोर्ड से उनकी बात सुलझ गई। क्लूजनर अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया करते थे। वैसे तो 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल थे और उनका चयन भी टीम में हो चुका था, लेकिन इतने शानदार खिलाड़ी के बावजूद जब 2003 में ग्रीम स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बनाया गया तो उन्होंने क्लूजनर को यह कहकर टीम में लेने से मना कर दिया कि वे टीम में फूट डालते हैं और एक टीम मैन नहीं है, और स्मिथ ने आगे उनके सिलेक्शन के खिलाफ आपत्ति जताई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्लूजनर का करियर महज 33 साल की उम्र में खत्म हो गया और उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अगर स्मिथ ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस से आपत्ति न की होती तो शायद इस दिग्गज का करियर और लंबा और सुनहरा होता और वे 2007 के 2 विश्व कप का भी हिस्सा होते। क्लूजनर ने अपने करियर में कुल 49 टेस्ट और 171 एक दिवसीय मुकाबलों में क्रमशः 1906, 3576 रन बनाए, साथ ही 80 और 192 विकेट भी चटकाए। अपने 8 साल के लंबे करियर में उन्होंने ODI में ताबड़तोड़ तेज गति से रन बनाए और अपने समय से कहीं आगे 90 के स्ट्राइक रेट से ODI में बल्लेबाजी की। उनके जैसा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका को फिर न मिल सका। इसके अलावा वे 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे टीम के कोच रहे और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के भी कोच रहे। क्लूजनर अफगानिस्तान के भी कोच रह चुके हैं। 2022 मार्च में वे दोबारा जिम्बाब्वे के कोच बने। भले ही वे इतने लाजवाब खिलाड़ी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके कारनामों और फिनिशिंग की बजाय 1999 और 2003 विश्व कप में 1 रन के लिए याद रखा जाता है, जो काफी गलत है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। 2014 में क्लूजनर ने एक साक्षात्कार में कहा कि जो हुआ उसके लिए डोनाल्ड को दोष नहीं देना चाहिए। क्लूजनर ने कहा कि वो अधीर हो गए थे और गेंदबाज के छोर तक पहुंचे, लेकिन वास्तव में कोई रन नहीं था। मैच के बाद उन्हें काफी दुख हुआ और उस एक रन न बना पाने का उन्होंने खुद पर खेद व्यक्त किया और कहा, यह जख्म आज भी उतना ही गहरा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशर और गेम चेंजर लैंस क्लूजनर की, जो अपने दम पर मैच पलट दिया करते। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।